विधानसभा चुनाव 2020 सिर्फ एक दिन का इंतजार और उसके बाद में आपका अधिकार होगा कि आप अपनी सरकार चुने। दिल्ली में कल मतदान होना है। चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। बता दें आपको यहाँ पर दिल्ली में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं, जिसमें से 12 सीटें अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए आरक्षित हैं। वहीं दिल्ली में कुल 1,47,03,692 वोटर्स हैं, यानी कि इतने लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, दिल्ली की सरकार चुनने में अपनी भागीदारी यहाँ पर दर्शा सकते हैं। विधानसभा चुनाव में कुल 2,689 मतदान केंद्र हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल 21 मतगणना केंद्र भी बनाए गए हैं। बता दें कि कुल मतदान केंद्रों में से 545 केंद्रों को घोषित किया गया है अति संवेदनशील, यानी कि जो कि यहां पर अति संवेदनशील की कैटेगरी में आते हैं, जिन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे में संवेदनशील क्षेत्रों से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। हमारे सहयोगी विश्वजीत झा हमसे जुड़ चुके हैं, सीधे विश्वजीत का रुख करेंगे। विश्वजीत, सिर्फ एक दिन का इंतजार और उसके बाद मतदान की घड़ी आ जाएगी, जिसका दिल्ली की जनता लंबे समय से इंतजार कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम दिख रहे हैं? देखिए, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था का ही है, क्योंकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था का बड़ा रोल होता है। और इसकी ही तस्दीक के लिए लगातार पिछले कई हफ्तों से और कई महीनों से तैयारी भी चल रही थी। अब हालांकि चुनावों का कहना है कि तैयारी पूरी हो गई है और जितने भी संवेदनशील मतदान केंद्र हैं उन सब पर अलग से एक्स्ट्रा फोर्स लगाए जा रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की खास तौर से वहां तैनाती की जा रही है। इसके अलावा 190 कुल जो है पैरामिलिट्री फोर्स दिल्ली में लगाई गई है। 42 जो है दिल्ली पुलिस के जवान होंगे। इसके अलावा होमगार्ड के जवान है, ट्रैफिक पुलिस है और जो रेगुलर जो पीसीआर वैन्स दिल्ली में रहती है वो सभी मिला करके एक काफी बड़ी संख्या में सुरक्षा बल दिल्ली में चुनाव की निगरानी करेंगे। और ये भी कहा गया है कि जो जो खास तौर से संवेदनशील इलाके हैं, हालांकि सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाके नॉर्थ ईस्ट विधानसभा क्षेत्र में सीलमपुर मुस्तफाबाद जैसे इलाकों में है, बाबरपुर, इसके अलावा जो करावल नगर, इन सभी इलाकों में जो सघन आबादी वाले इलाके हैं वहां पर हैं। और उससे भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण शाहीनबाग का इलाका भी है, जहां पर कि पिछले काफी दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, तो वहां पर भी अलग से एक्स्ट्रा फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। तो चुनावों की ओर से कहा यही जा रहा है कि परेशानी कोई नहीं होगी। चुनाव पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी चुनाव कराए गए हैं लेकिन इस बार हालात थोड़े अलग हैं, इसलिए ज्यादा पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने में कोई परेशानी ना हो। शाहीनबाग पर विशेष नजर रहेगी जी, शाहीनबाग की अगर बात की जाए तो उस पर विशेष नजर रहेगी? देखिए, हालांकि शाहीन बाग पर निश्चित रूप से विशेष नजर होगी और चुनाव आयोग की टीम ने वहां का दौरा भी किया था, पुलिस के अधिकारी भी वहां पर बार बार नजर बनाए हुए हैं। आयोग का कहना है कि जिस जगह पर धरना हो रहा है वहां से जहां पर मतदान केंद्र है, 5 मतदान केंद्र है, कुल 42 बूथ है वहां पर शाहीन बाग के आसपास जहां पर धरना चल रहा है, तो आयोग का कहना है कि उन मतदान केंद्रों पर पोलिंग टीम को जाने में परेशानी नहीं होगी क्योंकि उसके वैकल्पिक रास्ते हैं और वहां से पुलिस टीम जो इसके अलावा जो मतदान की टीम है वहां चली जाएगी। इसकी तस्दीक पहले भी की गई थी और उसके बाद ये इस बात को लेकर आश्वस्त कर रहा है चुनाव आयोग कि वहां पर कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जैसे हालात हैं उसे देखते हुए इन सभी इलाकों में सिर्फ सीसीटीवी कैमरे के अलावा जो लाइव मॉनिटरिंग और एक्स्ट्रा फोर्सेस और अगर किसी भी मतदान केंद्र पर जरूरत पड़ी तो अलग से अधिकारी भी तैनात किए जाएंगे ताकि हालात को वो नियंत्रण में रख सके। तो एक बड़ा महकमा, पूरी टीम लगी हुई चुनाव आयोग की, इसके अलावा दिल्ली पुलिस की और कर्मचारियों की जो कि मतदान को संपन्न उन्हें कराना है। अब से थोड़ी देर बाद से मतदान की टीम जो है, पोलिंग टीम, वो भी बूथों के लिए निकलना शुरू हो जाएगी। ये पहली बार दिल्ली में हो रहा है कि एक दिन पहले पोलिंग टीम मतदान केंद्र पर जा रही है, तो ये भी एक नया प्रयोग है। और पोलिंग टीम की ओर से भी लगातार ये सवाल उठते रहते कि उनके ठहराने के लिए, उनके नहाने के लिए या फिर
शौच के लिए क्या व्यवस्था वहां पर की गई है, उसको लेकर वो सवाल उठाते रहते हैं मतदान केंद्रों पर। तो वो भी एक देखने की बात होगी कि पोलिंग टीम चुनाव आयोग की तैयारियों से कितनी संतुष्ट है, ताकि वो कल सुबह समय से मतदान करवा पाए। जो लक्ष्य है, जो मकसद चुनाव आयोग का है, उस पर वो खड़े उतरे। बिल्कुल विश्वजीत, और सिर्फ एक दिन दूर है यहाँ पर दिल्ली मतदान से, स्थिति साफ हो जाएगी कुछ ही दिनों में कि आखिर दिल्ली में किसकी सरकार बननी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।